फाइनली गाइस बिट्टू का फर्स्ट डे स्कूल का हो चुका है, उनको बहुत 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 ज़्यादा मजा आया। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस बिट्टू, कैसा लगा आपको? कितना मैडम से क्या क्या बात की है? गाइज वेलकम, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मुझे बेटू को आज स्कूल लेके जाना है, उसको ड्रॉप करना है और मुझे वहाँ पे बैठना पड़ेगा 1-2 घंटे। जब तक उसका स्कूल चलता है तब तक मैं बैठूंगी उसके पास। और आप लोगों ने मुझसे बोला था कि आपको वहाँ से क्या मिला है, मुंबई से रानी के सासू जी ने आपको क्या दिया था। आप लोगों को ज़्यादा क्रेज़ उसी का था कि आप बताइए आपको क्या मिला था क्या मिला था। तो मैंने सोचा चलो बैक टू बैक कुछ ना कुछ आ ही रहा है, कुछ ना कुछ फंक्शंस आ रहे हैं, कुछ ना कुछ है, तो मैंने सोचा मैं बिजी हो जाऊंगी और सारे सामान मैं एक बार सेट कर दूंगी तो मुझे भी याद नहीं रहेगा। तो इससे अच्छा मैं आप लोगों को वो दिखा देती हूँ कि रानी की सास ने मुझे क्या क्या दिया था, वो दिखा देती हूँ। प्लस मम्मी ने क्या दिया था, भाई भाभी ने क्या दिया था, वो सब मैं आपको बाद में दिखा दूंगी, वो तो चलेगा। फिलहाल ये वाला बहुत डिमांड आ रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखा दिया जाए, तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ। और पहले बेटू को ड्रॉप करके आती हूँ स्कूल, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ बेटू का। पहले तो मैं टिफिन तैयार कर देती हूँ। वैसे वो नाश्ता वगैरह कर लिया है, ब्रेड वगैरह खा लेता है, दूध पी लेता है, एक बनाना खा लेता है। बाकी मैं उसका वैसे ज़रूरत नहीं है अभी, 1-1 घंटे वो बैठेगा, लेकिन थोड़ा सा मैं उसको टिफिन में कुछ दे देती हूँ तो टीचर वगैरह उसको हो सकता है खिला दे। कि वाटर बॉटल भर दी है और मैंने उसके लिए आधे लड्डू रखे हैं, थोड़े ड्राई फ्रूट्स वो खाता है और एक बनाना रख दिया है तो वो दे दिया है। बाकी इसको बंद करते हैं तो अब चलते हैं, उसका टिफिन रख देते हैं और रेडी करके ले चलते हैं। मुझे भी तैयार होना है, फिर उसको लेके जाऊंगी मैं। तो गाइस यहाँ पे बेटू मेरा रेडी हो चुका है और फर्स्ट डे स्कूल का मेरे बेटू का, और हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे छोड़ेंगे, क्योंकि 1-2 दिन हमें वहाँ पे रहना है। 1-2 दिन क्या, 1-2 वीक तक रहना पड़ेगा हमें जब तक ये वहाँ पे सेट नहीं हो जाता। तो चलते हैं बेटू को लेके स्कूल उसके। चलो बेटू चलें। फाइनली गाइस बेटू का फर्स्ट डे स्कूल का हो चुका है, इनको बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस बेटू, कैसा लगा आज आपको? अच्छा लगा। कितना मैडम से क्या क्या बात की है? सब बात की। क्या क्या बात की है सब? क्या मैडम क्या क्या पूछी आपसे? मैडम क्या क्या पूछी आपसे आज? हाँ बेटू, मैडम ने कुछ पूछा आपसे? क्या कुछ नहीं पूछा। कल आओगे फिर से? तो फर्स्ट डे तो गाइस बहुत ज़्यादा खुश है मेरे हिसाब से, ये मेरे बेटू को बहुत मज़ा आया ना। तो निकलते हैं गाइस अब घर की तरफ। बैग भी लटका दो भाई, लटका दो बैग, लटका दो मेरे बेटू के ऊपर। तो कल जिसको ब्रेड जैम वगैरह वैसी कुछ चीज़ों को खा लिया। हाँ ठीक है चलो। हाँ बनाना भी खा लेते बेटू, चलो घर चलते हैं। ठीक है बेटू ने बहुत मेहनत किया गाइस, इनको जूस पिलाने लाए हैं, थोड़ी बुद्धि ज़्यादा हो जाए, है ना। आज बहुत पढ़ाई कर ली? नहीं की। बेटू मेरा स्कूल से आ चुका है, बेटू को नहला धुला के चेंज कर दिया था। और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जाना होता है, 8 बजे तक मैं बेटू को लेके जाती हूँ। तो मॉर्निंग में इसको उठा के नाश्ता कराना, उसके बाद ब्रश व्रश कराना, नहलाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना 1-2 घंटे ही जाता है, अभी स्टार्टिंग का फेस है तो जाएगा, उसके बाद आने के बाद मैं उसको नहला दूंगी। तो अभी वो नहा वहा लिया है, अब चलते हैं। मैं आपको जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं मुझे वहाँ से क्या दिया था रानी की सासू जी ने, तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ फटाफट। तो गैस मैं आपको दिखा देती हूँ कि मुझे क्या मिला था। सबसे पहले तो मैं ये दिखा देती हूँ कि इसमें क्या था।
तो गाइस फर्स्ट तो ये था, ये बिछिया थी, उन्होंने एक मुझे ये बिछिया दी थी जो कि पास से मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत प्यारी लग रही थी। वैसे मैं प्लेन पहनती हूँ, मैं बहुत बड़ी बड़ी नहीं पहनती हूँ, पर मुझे ये काफ़ी पसंद आई और तीज आने वाली है तो मैं सोच रही हूँ इस तीज पे मैं इसको पहनूंगी, क्योंकि मेरे पैर छोटे छोटे हैं तो ये उसमें पूरा भर जाएगा और काफ़ी अच्छा लगेगा, तो मैं इस तीज पे इसको पहनूंगी। मुझे काफ़ी पसंद आई थी, मैं सोच भी रही थी कि क्यों ना कुछ बड़ा लिया जाए। वैसे मेरे पास शादी में मुझे जितनी बिछिया मिली थी सबके सब वैसी ही पड़ी हैं, कम से कम इतनी बिछिया मैंने इकट्ठे करके रखी है और कोई ना कोई बिछिया वगैरह मुझे देता ही रहता है। तो दीदी ने भी दिया था, मेरी ननद जो है उन्होंने भी मुझे एक बिछिया दी थी, वो भी मैंने आपको दिखाया था, और मेरी भाभी ने भी मुझे एक बिछिया दी थी, वो भी काफ़ी सुंदर थी, और ये दिया है चाची ने मुझे, मतलब रानी की सास ने मुझे दिया है, तो ये भी काफ़ी प्रिटी है, मैं इसको पहनूंगी क्योंकि मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी है और अभी तीज आ रही है तो मैं उस पर इसको वेयर करूंगी, तो ये काफ़ी अच्छी है और नई भी है। बाकी सब मैंने पहन चुकी हूँ, भले ही एक ही दिन पहनती हूँ, मैं प्लेन वाली पहनती हूँ क्योंकि मेरे हाथ जो है वो कट जाते हैं, सॉरी मेरे पैर जो है वो कट, उस पर कट का निशान लग जाता है इस तरह की बिछिया से, बड़ी वाली से, तो इसलिए मैं प्लेन वाली ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, पर ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगी तो इस तीज पे मैं इसको पहनूंगी। और सेकंड मैं आपको दिखा देती हूँ, ये साड़ी थी जो रानी के बर्थडे पे जब हम लोग गए थे तो उन्होंने मुझे ये दिया था, ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, ऐसी साड़ी है, ये प्लेन में है, काफ़ी अच्छी लगेगी, पहनूंगी मैं तो, ये काफ़ी सुंदर लग रही थी। तो एक तो ये थी, दूसरी भी मैं आपको दिखा देती हूँ, दूसरी भी ये साड़ी है, और फिलहाल अभी बेटू थोड़ा जिद कर रहा है तो मैं उसको जा रही हूँ, ये रख देती हूँ मैं फटाफट। तो गाइज अब ये था आज का ब्लॉग, और ये सब मैंने दिखा दिया आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि दिखाओ दिखाओ, तो मैंने वो दिखा दिया है। बाकी की जो कुछ भी है सामान, एक ये भी साड़ी है, ये काफ़ी अच्छी लग रही थी तो ये मम्मी की तरफ से थी, ये तो निकल गई तो मैंने ये भी दिखा दिया है, और बाकी मैं आपको वो सब बाद में दिखाऊंगी, वो सब तीज आने वाली है, तीज के बाद मैं सारा व्लॉग वो सब आप लोगों को अपडेट दूंगी उस सब का। और अभी तो फिलहाल इस व्लॉग का भी एंड करती हूँ, और कैसा लगा आपको व्लॉग और क्या आपको अच्छा लगा वो कमेंट में ज़रूर, आप लोग कमेंट बहुत कम करते हो, लाइक भी नहीं करते हो, तो प्लीज़ कमेंट लाइक सब्सक्राइब सब कुछ करना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।